मैं दावत खिताब दूंगा बहरुल मसाइब आले जनाब जाकर आसफ रजा गोंदल साहब के वो जिक्र फजाले मसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएं और इख्तिताम में मजलिस पर शफी आलम बरामद करवाएं। आले जनाब जाकर आसफ रजा गोंदल साहब इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन वलीयक अलहुज्जते बिन अलहसन अलहसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आयना हत्ता तुस्कनहु अर्ज़क तवन व तमत्तअहु फीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। कोशिश करो मिलके बवाज़े बुलंद सलावात। जिंदा सलामत रहो काफी हो बवाज़े बुलंद सलावात। नारे तकबीर। जिंदा सलामत रहो काफी हो बवाज़े बुलंद नारे तकबीर। नारे रिसालत नारे रिसालत हरामी हलाली दी पहचान मिलके यक्स बना रहे हैदरी। जिंदा सलामत रो मिलके बवाज़े बुलंद नारे हैदरी। कोशिश करो खलील करबल दी जाते बवाज़े बुलंद सलावात। जिंदा सलामत रो कोई लंबी छोटी मजलिस नहीं एक फरमान मालकां दा पढ़ने जरा गौर करे वलैल दियां जुल्फां वाला यासीन नबी मुजम्मिल मुदस्सिर नबी फरमेंदे ने चार किस्म दे बंदे मैं मुहम्मद नूं पसंद नहीं। तवज्जो किबला करे गल औखी है थोड़ी जी सख्त है लेकिन फरमान मालकां दा है मेरी केड़ी औकात है मेरी केड़ी जुरत है। बादशाह फरमा रहे ने चार किस्म के बंदे मैं मुहम्मद नूं पसंद नहीं। जवाब तुसा देना है मैं बात इतें ही तमाम कर देनी है। जवाब हर बंदा मैंने मिल के दवे है जिसनों मुस्तफा पसंद न करन उसनों अली पसंद कर दे। यार बोल के दसो ना सारे नहीं कर जिसनों अली पसंद न करन मौला हसन कर दे ते जिन्हानू ए न करन ओ कर दे। रसूले सकलैन फरमेंदे ने चार किस्म दे बंदे मैनू पसंद नहीं। मौला केड़े फरमाया पहले ओ पसंद नहीं जिहड़े दुनिया दी हर किताब हर रिसाला हर नावल पढ़ते ने लेकिन कुरान दी तिलावत नहीं करते। गौर है ना सारे दा क्यों नबियां दे सुल्तान फरमेंदे ने जड़ा कुरान नहीं पढ़ता भावें जाकिर आसफ गोंदले ते भावें कोट बारे खान दा कोई चौधरी है वो मैं मुहम्मद नूं पसंद नहीं। किबला ठीक है मौला। दूसरे फरमाया दूसरे मैनूं वो पसंद नहीं जेडे अपने मोमिन भिरा दा गिला करदे। मजलिस दा मेरे नजदीक तां मतलब यही है ये मतलब नहीं कि जाकर पढ़े अगों वाह वाह ज्यादा शोर होवे समझ ना आवे तो मजलस फुलाना जाकर फनाइयां ला गए। फनाई दा ना मजलस हुसैन नहीं मजलस दा मकसद है जमाने दा गुमराह और भटका होया इंसान जिते आके पवे इंसान बन के घर चला जाए उस जाक मजलस हुसैन इब्ने अली केवला मैसेज है जो मैं जनाब के हवाले करना जरा तवज्जो कर रहा है तो मैं मैसेज पूरा अपना लवा। रसूले सकलैन फरमेंदे ने जड़ा अपने मोमिन भिरा दा गिला कर दे ओ मैं मुहम्मद नूं पसंद इमरान भाई नहीं क्योंकि मोमिन दा बड़ा मकाम है। ऐसियां गल्लां मिंबर ते घट हुंदियां ने उंदी वजह ए है जाकर को मस्कीन करे तुसी चुप कर जांदे हो जाकर घबरा जांदे लेकिन मैनूं मसला कोनी बोलो तां इबादत है ना बोलो तां भी इबादत है। मैसेज मैं वाती पढ़ाने मोमिन दा बड़ा मकाम है। मस्जिद कूफा दे मिंबर ते हसनैन दा बाबा अली आई तशरीफ फरमाने एक साइल कदमा ते हाथ ला के मौला कायनात च कोई ऐसा अमल है जेड़ा मौत नूं दूर कर देवे मौत टल जावे। मासूम फरमाया सुन सदका एक ऐसा अमल है जेड़ा मौत टाल देता है।
जागिया जरा सदका एक ऐसा अमल है जड़ा मौत डाल देना साइल हैरान हो कहता मौला तो जे बंदा सदका न दे सकता होवे मासूम फरमाया किसे भूखे मोमन नु सिर्फ खाना चा खवाओ सदका अदा हो गया साइल बात हैरान होया अदे मौला जे बंदा ए भी न कर सकता होवे क्या करे मासूम फरमाया किसे तस्से मोमन नु पानी चा पिवाओ मकामे मोमन सुने सदका अदा हो गया साहिल बात हैरान हो के कदमा ते हाथ ला कदे मौला जे बंदा ए भी न कर सकदा होवे मासूम फरमाए सुन ना भूखे नु खाना दे सकदा होवे ना तस्से नु पानी पिवा सकदा होवे ना सदका अदा कर सकदा होवे किसे नेक और सालेह मोमन दा चेहरा देख के सिर्फ खुश हो जावे इजे समझे सदका अदा कबला जिंदगी दरा बिस्मिल्लाह या अली किबला जिंदगी दराज भाई जान आखिरी बंदे तक सतर ते गौर करे अदे मौला तीसरे केड़े नहीं पसंद मासूम फरमाया तीसरे मैं मोहम्मद नु ओ पसंद नहीं जिन्ना दी जिंदगी च रोजियां दा महीना आवे पूरा महीना गुजर जावे ईद आला दिन चढ़ पवे ते उन्ना दे ज़िमन च कुछ गुनाह बाकी रह जावे सारे मजमा भी चुप कर जा सो ते पढ़ने आज मैं सारे मौला दे फरमान ही मैं जितना पढ़ना है मैं मौला दे फरमान ही पढ़ रही अब बाली धरक मारनी तो तुसा मेरे को नहीं सतना तक मैं उंज नहीं आना उंज मैं गल पे दसदा के भला गौर करे एक फरमान और मैं चलो चौथी मैं गल बात दसांदा लेकिन एक फरमान ज़हन च आ गया तो चलो मैं वो भी दस दिया जिंदगी दा केड़ा पता हो सकदा गल मैं ना होवां ते ए दसना भी किसे नहीं जेड़ा मैं दसन लगा हां हां मौला दी कसम सादिक इमाम फरमांदे ने त्राई किस्म दे बंदे साडी मजलिस च ना आवे हुण जा गया जरा बादशाह फरमा रहे ने तीन किस्म दे बंदे साडी मजलिस च ना आउण औसन फायदा कोई नहीं मौला केड़े फरमाया पहले ओ जाकिर ना आउण जाकिर साडी मजलिस च ना आउण औसन ए है फायदा कोई नहीं मौला केड़े फरमाया जेड़ा मिंबर ते आके किसी गल दी तबलीग करे खुद उस ते अमल न करे गया सलाम मेरा इन हाथों नु किबला जिंदगी देरा बादशाह फरमांदे ने अगों साडी मजलिस च नु आउण दी कोनी लोड़ अगली गल तवज्जो भई मासूम फरमांदे ने अगे ओ बंदा भी साडी मजलिस च आ के ना पवे पहले जाकिर ना आउण दूसरी मालका तुहाडे मुतलक फरमाया आ जेड़े कई बंदे विच आउंदे ने मासूम फरमाए आ के ना पावण केड़े फरमाया जेड़ा सारी दीवार मजलिस सुने सुन के घर जावे कम अज कम एक नेकी ना अपनावे एक बुराई दूर ना कर सके मेरे बुजुर्ग बैठे ने जीवकार बैठे हुण ईमान नाल मैनूं जवाब दवे मजलिस दा इह मतलब है आपस नाल सलाह मशवरे दा नाम मजलिस हुसैन ईमान नाल दसो इत्थे जो कोट बारी खान मजलिस है हुण मैं इत्थे मजलिस ते बंदा सब तो ज्यादा इत्थे हाथ रख के वाह 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 ते इत्थों घर जाके प्यो नूं इत्थों नप के भोए ते लै आवे ओनी मजलिस हो जांदी है किबला जिंदगी दराज ओनी मजलिस नहीं ना जितने मर्जी पैसे खर्च कर लैन जो मर्जी कर लैन उन्हें मजलिस का फायदा कोई नहीं मौला केड़े फरमाया जड़ा साडी सफे मातम बिछा के असा चौथा नो अपने घर मेहमान बना के वत भी अपनी जिंदगी साडी सीरत दे मुताबिक न गुजारे चल हुण गल तां अगे छिड़ी एक फरमान मालकां दा होर सुनावां सारे फरमान यार एक मालकां दा होर फरमान भाई तवज्जो करे अमीर अल मोमिनीन हसनैन दा तैयब ते ताहिर बाबा अली फरमांदा है त्रै किस्म दे बंदे मैं अली नूं पसंद नहीं बादशाह फरमांदे ने त्रै किस्म दे बंदे मैं अली नूं पसंद नहीं मौला केड़े फरमाया पहले मैनूं ओह पसंद नहीं जिहड़े बाजार च जांदे पए होण ते अपनी अख ते कंट्रोल न करन बड़े घट बोले ओ मौला दी कसम ना भी बोलो ते फरमान है मालकां दा अली फरमांदे ने जिहड़ा किसे ले गैर महरम ले तीसरी दफा पहली दफा निगाह पै जावे ते दूसरी दफा इरादा तन पाए इंजे समझे मैं अली दे सर ते ज़र्ब मारी मौला दा फरमान है किबला
बादशाह फरमेंदे ने पहला मैं अली नूं ओ नहीं पसंद, बादशाह फरमेंदे ने दूसरा मैं अली नूं ओ नहीं पसंद जिहड़ा किसे दे घरों टुक्कर खा के जावे ते बाहर जाके ओंदी बुराई करे कि मैनूं अज उस ऐ दित्ता है। बादशाह फरमेंदे ने तीसरा मैं अली नूं ओह पसंद नहीं जिहड़ा किसे दे घर जाउण तों पहले उहनूं इतला देवे कि मैं आउणा पिया, मेरे वास्ते ऐ ऐ शै बना के रख। मैं जवानां दे हिस्से दी मजलिस बुजुर्गां दे हिस्से दी किबला ज़रा गौर करें इन सत्रां ते। मैं इस सत्र च मौला अब्बास दे अलमां दी कसम है कायनात बंदे जिंदगी समर जांदी है जे अगर एक बंदे नूं समझ आ जावे सत्र दी। फरमाया किसे दे घर जाण तो पहले इनू इतला देवे कि मैं आउंदा पिया, मेरे वास्ते ऐ शाय बना के रख। मैं अली नूं बंदा पसंद ही नहीं, मैं नफरत है। क्यों? एक बंदा उठिया कदमां ते हाथ ला के ते मौला कईआं बंदियां दे तल्लक इंज नहीं हुंदे ने आपस विच एक दूजे नूं आख लैंदे ने। जवाब सुन सो, इस जवाब विच सारी गल है। अली फरमाया ठीक है तल्लक हुंदे ने, मतलब तू उस नूं इतला देवे कि मेरे वास्ते ऐ शाय पका के रख। ओह नफरता होवे, ओहदे कोल ताकत ना होवे तैनूं ओह चीज खवाण दी, तेरी वजह तो मेरा मोमन किस अगे जाके ए ऐं करे। अली फरमेंदे ने मैं ना चांदा मेरा मोमिन तेनू खवाउण दी खातर मकरूज हो जाओ। मैं कंप्लीट करा फरमान मालकां दा, पहली सत्र याद है ना। बादशाह फरमा रहे ने, मुस्तफा नबी फरमा रहे ने, पहले मैनू ओ पसंद नहीं जेड़े कुरान नहीं पढ़ते। सारे बोलना हुण तुहानूं सारयां नूं बोलना पौसे, भावे तुहाडी किताब है ना कुरान, मुसलमान हो सारे तो ज्यादा नहीं तो एक आयत पढ़ लिया करो पैगंबर दी जो हदीस पूरी करनी, ठीक है ना जी। पर मैं दूसरे जेड़े मोमन दा गिला करदे ने ए भी नहीं करना अगो तो बाबा जी बुजुर्ग बैठे ने, मेरे जीवकार बैठे ने, गल्लां चाचा जी बाबा जी निक्कियां निक्कियां होंदियां ने लेकिन उन्होंने फजीलत बड़ी होंगी। हम मैंने गल का जवाब दियो कसरत ना मेरे सामने निमाजी तशरीफ फरमाओ। मैंने ईमान नाल गल का हर बंदा जवाब देवे तो मैं तुम्हें सलाम करा। जवाब मैनू हर बंदा ईमान नाल दसो ए वजू ते कितना टाइम लगता है? हम जिन्हें किया बोले दो मिनट भी पूरे नहीं लगते। मुस्तफा दा फरमान है जेड़ा रात सौण तो पहले बावजू हो के समे इंजे समझे सारी रात मैं खलो के इबादत कीती है, तुहाडे च कौन है जेड़ा राती करके सौंदा है? मालिक जिंदगी करे ला कितना को अमल है? दो मिनट सारी रात इबादत। फरमाया चौथे मैं मोहम्मद नूं ओ पसंद नहीं जिन्हां दे मां ते प्यो जिंदा होन, मां प्यो दी मौजूदगी विच ओ जहन्नम वाले पासे टुर जावे। चाचा जी वालदैन दी बड़ी बाबा जी फजीलत है, बड़ा मकाम दस्या वालदैन दा कुरान भी ते पैगंबर भी। लफ्ज़े उफ कितना को लफ्ज़ है? उफ उफ तक ना कहो, केड़ा को लफ्ज़ है? छोटा जे कुरान भी याद है और हदीस है रसूल सकलैन भी नबी भी फरमाते हैं कि बंदा बैतुल्ला दा हाजी होवे जेड़ा वड्डा आबद ज़हद होवे, बंदा उंगली दे इशारे नाल अपने मां प्यो नूं उफ आखे उन्नियां सारियां नेकियां उथां ही खत्म हो जांदियां। होए शरीयत दी ए वालदैन काफर होवे मुशरक हो गए तेरे ते वत भी इताअत वाजिब है। यमन दे यहूदी तेरे छेवें मौला दे हाथ ते कलमा पढ़ गया मोहम्मद वाले कलमा पढ़ के त्राए महीने बाद इमाम दे कोल आके कदमा ते हाथ ला के दा मौला मैं बड़ा परेशान है। मैं क्यों परेशान है? अदा बोला मेरे वालदैन अजादा का मैंने मारते ने, मेरे ते जुल्म करते ने, क्या मैं उन्होंने छाट देवा? इमाम फरमाया खामोश, उन्होंने छाट नहीं, उन्होंने खिदमत में इजाफा कर दे, सोचते दौरान इस्लाम मजहब गया है, सोचते दौरान इस्लाम मजहब क्या है? इस इमाम दी मनी वापस आ मां प्यो गाला कट दे, एक घुट दे
ज़ियारत करा जिस दिन इंसान बना छड़े क्या जिंदगी वालदैन दी इतनी फजीलत इतना मकान। हाँ आखिरी जुमला खत्म मेरी पढ़ाई जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी अजान तक मैं लफ्ज पढ़ सा अजान तो बाद मैं सत्र मुसाहिब दी पढ़ सा इन भाइयों का हुक्म होया कि बला जरा लफ्जा ते गौर करे ते मैं अगली सत्र भी समझा सा वालदैन दा बड़ा मकाम मैंने इज्जत सैयदा दी कसम मैं मस्जिद अल्लाह के घर बारगाह च खलो के सत्र पिया था पूरा मजहब भैड़ा नहीं होंदा काम एक बंदा भैड़ा कर दे बदनाम पूरा मजहब हो जा मजलिस जवान ज्यादा गौर करे काम हर बंदा भैड़ा नहीं करता काम एक बंदे दा भैड़ा होंदा बदनाम पूरा मजहब हो वेंदा तेरे छठे बादशाह दे कोल एक बंदा आ गया कदमा ते हाथ ला कदम मौला मैं बड़ा परेशान हां इस लफ्जा नु गौर कीता करो साहिल कदमा ते हाथ ला कदम मौला बड़ा परेशान हां क्यों उस कहा मौला मेरे घर दे नाल गवाठी ने साडे मजहब नु बड़ा बुरा भला दिन मासूम मैं ना कीता कर तू बह जा ओ बह गया वत उठया उस कहा मौला मैं या मर वेने या मैं मार देने मौला साडे मजहब नु ओ गाला कट दे मौला मैं क्या करा जवाब सुन सो इमाम हाथ का इशारा करके फरमाया शराब पीने निगाह झुक गई तिन्ना बंदियां वाह वाह कीती है गल ती मासूम फरमाया गाला कट दे अगो निगाह झुक गई बादशाह फरमाया तू अपना किरदार ठीक चा कर किसी की जरूरत साडे मजहब नु बुरा आखे और इंजे मासूमीन दा फरमान है जिमें मर्द वास्ते आई मैं मासूमीन दा फरमान है कि गैर महरम औरत दा चेहरा न देखन इंजे औरतां वास्ते हुक्म है शरीयत है कि गैर महरम मर्द दा चेहरा न देखन बोलिया करो सारे मासूम मैं तो सारी मजलिस ही मासूमीन दे फरमान दे तहत मैं पढ़ रही हूं और मासूम फरमांदे ने शौहर दी इजाजत दे बगैर शोहर की इजाजत दे बगैर नाल सकी मासी दा घर गवाठियां दा होवे शोहर की इजाजत तो बगैर अगर बीवी गवाठियां मासी दे घर माचिस लैन तुर जावे अल्लाह लानत करदा है जब तक वापस ना आवे जुमला मामा बहना दे हिस्से दा मैं पढ़दा उस वक्त तक अल्लाह लानत करेंदा जब तक वापस ना आवे गौर है सारे दा किबला उस वक्त तक क्योंकि शरीयत है चल मैं एक लफ्ज आखी जावा पाक पैगंबर वलैल दियां ज़ुल्फां वाले दे दौरे च एक औरत आई उनका शोहर इस बात नु समरातुल हयात अलामा महमूद असफहानी लिखी है आ जेडी सत्र दूसरी जिल्द च जेडी मैं पढ़दा पूं शोहर उसका तजारत वास्ते टुर गया पिछों पियो बीमार हो गया उस पाक पैगंबर वाले पासे मोमन आई पैगाम भेजी है या रसूल अल्लाह मेरा शोहर इत्था नहीं हुण फोन दा ते दौर नहीं ते मौला मेरा पियो बीमार है क्या मैं जा सकदी हां पैगंबर फरमाया भावे मैं नबी हां लेकिन ए हक अल्लाह तेरे शोहर नु दित्ता होवे भावे मैं नबी हां लेकिन मैं इजाजत नहीं दे सकदा तारीख दी नहीं गई पियो मर गया वत पैगाम भेजिया कि हुण मर गया जावा फरमाया कि मेरी शरीयत इजाजत नहीं देती उंज भावे लगी जा शरीयत इजाजत नहीं दी नहीं गई नहीं गई वापस आया शोहर शोहर नु नाल लेके इंशाल्लाह मैं सत्र समझा लवा शोहर नु नाल लेके गई ये पेके घर ओदो पियो दफन हो चुके हा वक्त गुजर चुके है ए वापस आईए उत्तों वही आ गई मुस्तफा इस औरत नु आ इस शरीयत कमाल नहीं कीती ए दी वजह तो मैं एदे पियो नु जन्नत च भेज दी शरीयत अल्लाह मोहम्मद तो मेरा ज़िक्र अजान इतनी होनी है जो अच्छा चलो ठीक
ਕਿਬਲਾ ਗੌਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਸ ਜ਼ਰਾ ਬੇਜਨ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਾ ਲਵਾਂ ਤੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਵਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ कि बंदा आखे जो मैं 14 का बड़ा मुहिब हाँ बड़ी मैनू मुहब्बत है शीयत नहीं आले मुहम्मद नू मनन दा नाम शीयत नहीं आले मुहम्मद दी गल मनन दा नाम शीयत है। मैं पूरे पाकिस्तान दे कराची तक सतर एक मैं पढ़ी है मैं मैनू बाकियां दा नहीं पता हुण कुछ बंदे हो सकदा को कुड़ी भी जान लेकिन गल जो सच्ची है मैं बाकियां दा मैं नहीं पता मैं आ सफर दा मेंबरां ते ऐलान कीता मैं नुसैरी दे खिलाफ बाबा जी मैं नुसैरी के खिलाफ बल्कि सिर्फ नुसैरी के खिलाफ नहीं मैं उस बंदे के खिलाफ हाँ जो मिंबर से आकर नुसैरी के फजाइल पढ़ता हो क्यों खिलाफ हाँ नुसैरी की वजह क्या है नुसैरी के इस वास्ते खिलाफ हाँ नुसैरी मेरे मौला अली की गल नहीं मनी दो या चार मिनट मेरे पास देखिए एक लफ्ज़ दे एक वैन करने जरा सत्र ते गौर कबला गौर है सारे कोई लंबी चौड़ी नहीं जरा गौर करे पहली सत्र दुआ पे मंगदा इंशाल्लाह किसी का मान ना त्रुट जाए मातमी सदा तो गैरे सदा जी मैं पूरा जी विश्व अब भैया थोड़ी थोड़ी मेहरबानी करोगे यार जी मैं पढ़ता जी मैं अच्छा मालिक जिंदगी दराज मालिक जिंदगी दराज फरमान मैं
पहली सतर आखीए जो शाला किसे दा मान ना त्रुट जाए। चल हो सकता है कुछ मोमिनीन शायद समझ ही ना आई होवे तां हाय नहीं निकली। मैं उन्हां बंदियां वास्ते लफ़ज़ इंज आदा कोई वखरे मान ना अली दियां धीआं नूं गाज़ी फिरा। वाह हुसैन धीआं रसूल दियां तुहानूं किसे दा मोहताज ना बणावे। मजलिस खत्म करा, सारे मोमिनीन नमाज जरूर पढ़े। ए नमाज वास्ते अली दियां धीआं जंगलें च रुल गईआं। कोई बंदा सारे मातमी सादात तो गैर सादात शिया सुन्नी अहबाब तशरीफ फरमाओ। बस दो लफज समझे है ते मैं बयान करने लफज दो समझे है कि लाजे दी मेहमान है हुक्म होया जो मुकम्मल पढ़िया है। लाजे दी मेहमान है रसूल दी जख्मी दी अमीर अल मोमिनीन अली घर आए ने। जदा अमीर अल मोमिनीन दी निगाह पई है ना बतूल ते इतना बहादुर अली जिंदगी च पहली दफा अली दा हाथ कमर ते आया। हाय जहरा या अरमान है आज कदी मेरी कंड पीछे मेरा भीरा जाफर तैयार हो गया। जहरा मैं तेरे रोमन दा मुल पाछू। हर बंदा कोशिश करे किबला या सतरा की है। जहरा तड़प के फरमाया या अली मेरे नाल वादा करो मेरे पर्दा करन तो बाद शादी करे। क्यों जहरा फरमाया या अली अरब तेरा दुश्मन है तेनू पुत्रां दी लोड़ है। कलाबिया खानदान है नाम फातिमा है बड़ी पाक दामन औरत उस नाल शादी करी। अल्लाह बेटा अता कर सी जिंदा नाम है अब्बास रखे है। हर बंदा हाय इतनी हाय करे है शाम दी थकी हुई थोड़ी हाय दी आवाज सुन। फरमाया नाम मैं अब्बास रखे या लफ्ज आखे ना अब्बास रखे। अगली सतर कितनी हाय कर सकते हो कितना रो सकते हो इस तो बड़ी सतर मैं नहीं पढ़ सकता तेरे रवान वास्ते। या सतर आखे ना बीबी चंद चोले सामने रखे। फरमाया या अली ए चोले पवा के आखी अम्मा दा सलाम होवी। या सतर मातमियों आखे ना तड़पे ने अली जहरा ए चोले कदा बनाए हानी। फरमाया उस वक्त बने नहीं रही जदा सजे हाथ नाल मैं तस्बीह। वाह हुसैन दिया रसूल दिया राजी ने अल्लाह हाय कबूल फरमावी। हर मोमिन हाय करके रोवेगा। फरमाया उस वक्त सीधी रही मातमियों पर्दा कीता जनाबे सैयदा शादी हो गई। डोली मर्दा नहीं मस्तूरा चाहिए। वफा दिया सत्रह सुने मैं लफ्ज़ आख्या कि भला डोली मस्तूरा चाहिए। बतूल दी चौखट आई है ना बीबी जल्दी ना लहके पेशानी रख के फरमाया जहरा दी हवेली गवा रवी मैं पहलो पैर नहीं रखिया। तुहाडी हाय तो दरेन कुर्बान कर पहले पैर नहीं पहले मैं तुम मत्था रखे। बीबी अंदर आए धीया मिलिया पुत्र मिले। कई दिन बाद फरमेंदे ने या अली मेरी जा तब्दील कर जड़े गाजी दे नौकर। क्यों फातिमा या अली कदे कदे मैं टुरदियां मेरे पैर तेरिया धीया दे पैरां ते आवे ने। वाह हुसैन वाह हुसैन हुण हाय कीती ने मामा धीया राजियां मेरे पैर तेरिया धीया दे पैरां ते आवे ने। मता जन्नत लबकीच जहरा आखे उथा टुरदी रही है जिथा मेरी ज़ैनब टुरदी है। मिल गई वखरी जा जिन्ना घड़ियां दा इंतजार रही घड़ियां आईया वफा दी रहले च वफा दे कुरान दा नजूल हो गया। वफा दी रहले च वफा दे कुरान दा नजूल जिन्हें हुण तक हाय नहीं की। दोवां भैणां नूं पता लगा ना साडा भीरा आ गया शरीयत दे बुरके पा के ना इंज मां दे कोल सतर समझो मातमी सदात इमरान भाई औखी सतर अखां भाई जान बंद इंज हाथ वधा के अम्मा साडा भीरा साडे हत्थां ते रख। पता नहीं केड़े मोमन दी हाय निकल सी केड़ा चुपरा सी जदा कहना साडा भीरा साडे हत्थां ते रख। बीबी अब्बास नूं चाह के हत्थां ते नहीं रखिया पैरां ते रख के फरमाया अब्बास दी ओ नहीं अब्बास दी ए जा। वाह हुसैन भला उन्हें यार मामा दियां राजी हो जड़ा आलिया दे मान दे दुख ते रोंदा है इंशाल्लाह दुनिया ते किसी कमीने दा मोहताज ना हो। किबला हर आलमे दीन लिखे हर आलमे दीन लिखे जहरा दी थी इंज फिरा नु बिला तशबीहान ना लाए। पहले बीबी अब्बास दा सज्जा बाजू चुमे वत बीबी अब्बास दा खब्बा बाजू चुमे बाजू चुम के फरमाया अम्मा फरमाया हा साडे बुरके दा नां अब्बास।
मैं औखियां सत्रां च दाखिल हो गया, मैं मातमियां दे हिस्से वास्ते औखियां सत्रां च दाखिल हो गया। अम्मा फरमाया हाई साडे बुरके दा नां अब्बास है, बस इतना मैं आखां कोट बारे खान वाले जिन्ना कुरान दे इलावा कदी कई शय नहीं ना चाहिए, सारा सारा दिन अब्बास नूं चावे ना। कै वेले वड्डी सहन चे वे, कै वेले छोटी सहन चावे। चार साल दा हो गया अब्बास, मेरिया मुल्क ते मुखियां मजलसां ऐ सतर ते जड़ी पढ़न लगा, चार साल दा हो गया अब्बास। एक दिन लेट घर आया, चिरका घर आया, मां पुछिया है वे अब्बास अज नमाज कित्थां पढ़ी है। चार साल दा अब्बास सदा अम्मा भैणा दे घर, अब्बास केड़ियां भैणा, अम्मा जैनब ते कुलसूम। अब्बास रुक जा, ओ भैना नहीं लगदियां, ओ सैना लगदियां ने, तू नौकर लगदे ओ मातमियां, ओ सदा तो गारे सदा तेरा नौकर का नाम आया अब्बास दा। अम्मा मेनू टुरन दे वाल सफेदियां ने, बीबी अली अब्बास तेरे आसरे ते टुरन दे वाल सिखदियां पईयां। वाह हुसैन वाह हुसैन, भला उन्हें यार मामा धियां राजी। अब्बास तेरे आसरे ते टुरन दे वाल सिखदियां। सफे मातम भाई रसूल दी दी कबूल फरमावी, मैं खलोता अल्लाह दे घर च, मेरा ऐ कब्रे हुसैन ते हाथ ला के दा पया, मेरी अपनी जाकरी दी ए सब तो औखी सतर है। जिंदगी भर रोमन वास्ते ऐ सतर हिक्का काफी है, जड़ा बंदा दा मैं रुना कदी नहीं, ऐथा हुसैन रंदा होवे सही ते भजन मौत जुमला अगर समझ आ जावे, जिनू अली दी दी ते बुरके दा दर्द है ना उनू समझ ओसी मैं की पढ़े। चार साल दा अब्बास निके निके हाथ बंदे अदे अम्मा मैं मन गया, अम्मा आज तो बाद मैं नौकर हूं, अम्मा ओ सेना है। लेकिन अम्मा एक गल दी मैं समझ नहीं आउंदी, ए गल किबला मैं दा इस तो बड़ी मेरी जाकरी च सतर कोनी, तेरी हाय करान वास्ते तेरी इबादत वास्ते मैं सतर पढ़दा पिया। अम्मा मैं समझ नहीं आई है ये अब्बास केड़ी गल दी। अम्मा जदा मैं जांदा ना जहरा दी वड्डी थी एक उच्ची जी जाते मैन बहा के ना पहले दोवें भैणा मेनू बन दिया ने पग। हाय अम्मा मैन पग बन के ना ते जहरा दी वड्डी थी, मैं दा मोमन होवे सही अली जन वली अल्लाह पढ़ने वाले बंदे दे जिगर चो हाय निकला सी। फरमाया अम्मा मैन पग बन के ना जहरा दी वड्डी थी, आसमान दा मुंह कर के दिया अल्लाह जितना अब्बास जीवे शाला ज़ैनब उतना जीवे। भला उन्हें मामा धियां राजी अल्लाह पुरसा कबूल फरमा। राती मैं लाहौर पठा चौके सतर पढ़ी, अजड़ी सतर मैं पढ़दा पिया, इया सतर पढ़ी मोमे नहीं मलक कैसर अब्बास मातम कर गया दे आसफ रजा शाला उठाई मर गई हो गई, शाला अब्बास दे रले कुस गई हो गया, शराबी दे दरबार जे इंज ना जावे। वाह हुसैन धियां रसूल दियां राजियां ने अब्बास दे नौकर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा सोना हर बंदे दी इबादत हो रही है, मिजाज बुलंद करो मैं औखियां सतरां पढ़ के बयान करा तुहाडे मातम दे डाला, जेड़ा हुण तक हाय बंदा नहीं कर सकिया या मातम जवान बैठे हो यार मातमी सादात तो गैरे सादात औखियां सतरां च मैं दाखिल हो रहे हूं। अम्मा नहीं जांदा, बीबी फरमाया ना गया कर, उन्हां कुरान दे इलावा कदी कोई शय नहीं चाहिए। अब्बास जहरा दियां धीयां ने अब्बास थक जांदियां उस चार साल दा गाज़ी जाता मैं नहीं जांदा, अम्मा मैं नौकर हां, अम्मा मैं हुण नहीं जांदा, कोट बारे खान वाले त्राए दिन पूरे अब्बास भैणा दे घर नहीं गया, तीसरे दिन बाद जहरा दी थी उठे न अम्मा फिजा, अम्मा मेरे अमन दा नाम अब्बास है, अम्मा मेरे चैन दा नाम अब्बास है, मेरा अब्बास नहीं आया, मेरे दिल तो खंजर पे चलना है, पता कर मेरे अब्बास तो खैर है। फिजा बहर आके साथ मारी है अब्बास चार साल दा गाजी आलिया दे सामने इंज हाथ बन के निगाह झुकी हुई है, पता नहीं शिया बंदा हाय करे आए बीबिया दी अब्बास चार साल दा अब्बास झुकी हुई निगाह ना ला दे जियो हसन दी भाए। भला होवी भला होवी भला होवी अल्लाह जवानियां मां बीबिया दी अब्बास जियो हुसैन दी भाए। वे अब्बास मैं तेरी कुछ ना लगदी, निके निके हाथ बन के आदा पता लग गया तुसा सैनो,
मैं नौकर हां, मैं तोड़ी कनीज दा पुत्र हां, मैं दाई दा पुत्र हां, ज़हरा दी धी दे दे ते खुशी चले गए इंज फिरा नु हां ना ला करिए वे अब्बास नौकर झोलियां च नहीं उपलदे। अब्बास तू मेरा मान फिरा है, अब्बास नौकर झोलियां च नहीं पलदे, अब्बास तू साडा फिरा है। हर आलमे दीन लिखे आए इस दिन तो लेके अब्बास दे लहन तक, अब्बास ना जहरा दियां धीयां नूं बहन सदे आए, ना पतूल दियां पुत्रां नूं फिरा सदे। हर टाइम निगाहां झुका के यबना रसूल अल्लाह बिनते रसूल, ना फिरा सदे आए ना बहन सदे आए। ले मैं बंदा वेखना मजलसे जड़ा आया जहरा दी औलाद दे दुखां ते रोमन होवे ते अगली सत्र ते मातम जैस भी मजहब च होवे ते बंदे दा मातम वास्ते हाथ ना उठे। मैं ये मनदा ही नहीं, मैं तां औखियां सत्रां च दाखल किबला हो गया। सताई रजब चढ़ पई है, सताई रजब जदा शबीर दरबारे वलीद गए ना भजन औखी सत्र च आ गए, दरबारे वलीद गए ने, शबीर फरमाया मेरा कोई पुत्र मेरा कोई भीरा मेरे नाल ना आवे। या सत्र आके ना अकबर दे प्यो किबला इंज कदम चाए ने, पिछो कदम दी अहट महसूस हुई, शबीर डिठा है, अब्बास दियां निगाहां झुकियां ने, धीमे लहजे नाल अब्बास आ रहे है। शबीर फरमाया मना जो कीता है मेरा कोई पुत्र भीरा नाल ना आवे, कदम ते हाथ ला कद पुत्र भीरा रुक गए नी, मैं तां ताई दा पुत्र। वाह हुसैन जवानियां मानो, अल्लाह मातम कबूल फरमा, मैं तां कनीज दा पुत्र हां। ओ कोट बारे खान आलियो जिंदगी च पहली दफा शबीर दे चेहरे ते जला आए। नौकर बजे से बैठे घर के आवाज का अलम लाया है, इस तो वटी सतर मैं नहीं पढ़ सकता तेरे माता वास्ते।
مر ونجن علی صدرے زہرا دی دھی دی پیچھے جا حسین پتہ کر میرا عباس نانے دی قبر تے جاندے یا ماں زہرا دی قبر تے جاندے ونج سنو अपनी मैं लुटना है कदा हुसैन दी धीर नूर मैं
जितना मसाइब आ तेरा सो मैं उतना अल माले का मसाइब पढ़ता रहा सा। मैं एक लफ्ज़ पढ़ा कि सारे हर बंदा रोवे जे सारे मातम करो जे शिया बंदे हो जे अली और वलीउल्लाह पढ़ता है जिदा हुसैन जिथे जांदा उना बंदे वास्ते माफी मांग के सत्र पढ़ा पै जा माता कोई बंदा आके कुरान पढ़ के चला गया। मैं खलोता मेरे सामने कब्र हुसैन मर बैठे ना यार जुमला है जितने सवार बैठे हो एक बार हाथ जाओ जे करबला दे सवार सिर्फ दो सवार नहीं मैं दुआ पे मंगदा मस्जिद अल्लाह दे घर च खलो के मालिक तो जल्दी ले जावे किबला तुसा मेरी गल दी सवार जेड़े ने तायद करे है करबला विच सब तो बुलंद कर दई हजरत अब्बास दा सब तो छोटी कब्र है आज भी अलमारे दी वछा क्या है ओ मातमी सदा तो गारे सदा तेरे चौथे इमाम ते सवाल होया ते जवाब पति क्या है सजाद मातम करके फरमाया मेरे जितना चाचा लभ रिया हां मैं उतना दफना छ चार हस्तियां मुसलमान मारे है ज्यादा पहली हस्ती मोहम्मद पुत्र हुसैन है जेड़ा जेड़ा हुसैन तक अपन सकिया है हर उस बंदे मोहम्मद का पुत्र नु मारे है। दूसरी हस्ती अलमाला गाजी मजलस होवे खत्म जिनी छोटी औलाद है मजलस खत्म होवे 9 लाख बंदा अब्बास दे डर तो समझा नहीं आप अंदाजा ला उन्होंने गुस्सा कितना हरी गाजी दे मजलस होवे खत्म तू वे ना घर जेड़ा तेरा सब तो छोटा बच्चा है ना जिनो किसी गल की होश नहीं असमाउन की खातर तू चावी हाथ तू हाथ जावे मारी नहीं असमाउन की खातर हाथ जावे दावे उन्होंने किसी गल का पता ना ना होया कोशिश कर सी हथा ना दिखा करने की जदा खाजी गंधा है हाथ दे नाल हार कोई ना 4000 पे हायर का भाज पे आए कोई ऐसा मार गए ए मार के ने मार के ने आश्रे के साइन में बहर आई अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान वाह हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंगे पुरसा पढ़ लिया करा मैं मामा धीया राजी है करा दो बहन करने ने मातमियां दे हिस्से दे जितने जवार मेरी गल की तारीफ करी है हिल्ला शहर है जनाब कासम दी बाबा जी मिजार है इमाम मूसा कासम ने बेटी कासम दा मिजार है हिल्ला शहर है देखते ना तुसा हिल्ला शहर च मजलिस हो रही है नाल ही एक पिंड दी हाथ उथे एक फालिक दा मरीज अबे है जे उठ नहीं सकदा ए मोमन अल वदा यार किते जा रहे उन आखे मजलिस ते हिल्ला शहर है अलमाले दा पुरसा देने आलिया नु मातम शुरू अपने आप कभी होता मैं ठीक मैं अज उठ के पुरसा दे एक नकाब पुरसा दे सोच नहीं उठ पुरसा दे ले आधा जवान मैं उठ ना सकता अगर तुसा आज
زہرا دی
ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠੀ ਅਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਮਾ ਲਹਿਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਅਮਾ ਪਤਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਵਾਇਆ ਏ ਉਹ ਬਾਤਮੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਰਾਈਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵਫਾ ਦੀ ਸਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਿਰਾਈਏ ਮਾਤਮੀਓ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਏ ਇਮਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਏ ਅੱਲਾ वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन आवाज आता है मेरा अल्लाह मैं गरीबा फिजा कंडल पर सवाइए आदिए अब्बास जदा आके अब्बास जवाब सुनिए बाबा जी वफा सुनिए गाजी के नौकर फिजा दिए अब्बास गाजी हाथ बढ़ा दिया दे जी ओ हसन दी अम्मा हुसैन दी अम्मा फिजा दिए गाजी अगर नवी मां सदा सहारा दे पुत्रा की बराबरी हो वैसे मैं जो गरीबा वाह हुसैन जरा थक गया नसीब अपने आवाज आता है गाजी मर्जी आ एक बार अंदर आ बैठ सदे नी फरी आई जरा रह गया तेरा अपना नसीब मातमियों जड़े मेरे आवाज कराया सहारा दी चाचा जी सामने आई है बाबा जी जितने सैयदों मैं नुकरानी का पुत्रा हर अजदार हर कर लो जमाने की कड़ी जरूरत है अकाश आदा मैं तरफ आके
ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਧਵਾ ਤਾਰੇ ਅੱਠਾ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਆਸਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਹਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਈ ਕਿਹਿਆ ਦੀ ਬਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦਾ ਹੋਰੇ ਹੋਰੇ ਦੀਵਾ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀ ਆਈ ਮੈਂ ਆ ਡਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਰਤੇ ਗਾਲੀ ਬੁਲਾ आया
I'm gonna go to the hospital.